जोधपुर शहर की वार्ड नंबर 74 में महिला पार्षद पानी की किल्लत को लेकर जलदाय विभाग पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गई हैं। महिला पार्षद का आरोप है कि सीएम गहलोत को वोट नहीं देने के चलते जलदाय विभाग इलाके में पानी की कटौती कर रहा है। वार्ड में पिछले एक महीने से पानी की किल्लत के चलते महिला पार्षद अपने इलाके के लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन पर उतर गई। महिला पार्षद वॉकर कौर का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वोट नहीं देने के चलते जलदाय विभाग के कर्मचारी सरकार की शह पर पानी बंद कर रही हैं, जिसके चलते इलाके के लोगों को पानी की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इलाके के लोगों का भी जलदाय विभाग पर आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है, लिहाजा जब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं होगी तब तक महिला पार्षद के साथ लोगों का ये धरना जारी रहेगा। एक्शन साहब को, एन साहब को, जयन साहब को सब मौका दिखा दिया और आज तक हमारी गली के मायने और जालम बिलास में, पूरा लक्ष्मी नगर में, बीजेएस में इतनी पानी की समस्या है ना, टंकी और फुल होती है, जस्ट सूरपरा पर लगी टंकी जिससे ही मतलब 1.5 साल हो गया पूरा, पीने का पानी तक नहीं आया और सुबह सब मौके पर आया फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज मुझे ये मजबूरी से यहाँ धरना देना पड़ा और लोक लगाना पड़ा और जब तक मेरा हकाम हल नहीं होगा तो मैं लोक नहीं खोलूंगी। अधिकारी एक्शन साहब बात हुई, एक्शन साहब रात को मतलब लोक लगा के सो जाते हैं और ईएन साहब से बात हुई परसों, दोनों को तीनों को बुलाया लेकिन आज तक कोई हल नहीं हुआ। एसी साहब से भी मेरी बात हुई है, बरोबर बात चल रही है सबसे, लेकिन पानी के लिए आज तक मतलब कोई सीरियसली नहीं लिया। इलाके के लोगों का आरोप है कि पिछले 2 घंटे से स्थानीय पार्षद धरने पर बैठे हैं, लेकिन विभाग का कोई कर्मचारी अधिकारी उनसे बात करने तक मौके पर नहीं पहुंचा है। पार्षद महोदय जी साथ में बैठे हैं, सुबह वार्ड नंबर 74 और 75 में काफी टाइम से ये समस्याएं बुरी तरह से इतनी परेशान हो रखी है पब्लिक, जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पे पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से हमारे बुजुर्ग नेताजी बैठे हैं यहाँ पे पार्षद महोदय, लेकिन किसी ने कोई भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। पानी की समस्या से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है कि मोहल्ले वाले काफ़ी लोग तो हमारे साथ में आए हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई अभी आ जाएं, लेकिन सबको परेशान नहीं करना चाहते। पार्षद महोदय ने कह दिया मैं जा रही हूं और यहीं पर खड़े हैं 2-3 घंटे से, न एक्सचेंज न जैन किसी को फ़ोन कर दिए, कोई सुनवाई नहीं है। पीने का पानी कहीं से गाड़ी में भर भर के जरीकन लेकर के आते हैं, मैं रोजाना जाकर पानी लेकर आता हूँ टंकियों से, कभी आर्मी वाली टंकी से, कभी कोई किसी से, यूँ करके और पीने के पानी से काम चला रहे हैं और नहीं दे तो वो आते हैं कैंपर रखवाने पड़ रहे हैं। महिला पार्षद के आरोपों पर अगर यकीन किया जाए तो वाकई में ये गंभीर मामला है। मामला इसीलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ये इलाका मुख्यमंत्री का है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।